जश हत्याकांड में पुलिस ने आज कोर्ट में मृतक की ताई और दादी को पेश किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों को एक दिन का पुलिस रिमांड मांगा। कोर्ट में रिमांड मंजूर कर दिया है। पुलिस अब कल इन दोनों आरोपियों के साथ मुख्य आरोपी अंजलि को भी कोर्ट में पेश करेगी। इस मौके पर CIG स्टाफ के इंचार्ज मोहनलाल ने कहा कि आज कोर्ट में मृतक की ताई धनवंती और दादी सौर नदी को पेश किया है। उन्हें कोर्ट ने एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है ताकि इस मामले के सभी साक्ष्य जुटा सके। कल जश हत्याकांड के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि ASP इंद्री श्रीमती हिमाद्री कौशिक के नेतृत्व में गठित SIT द्वारा दो महिला आरोपियों धनवंती स्वर्णदे 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और दोनों महिलाओं पर शव को खुर्दबुर्द करने का आरोप लगा है। तो आज इसको धनवंती को और इसकी सास को स्वर्णदे को हमने कोर्ट में पेश किया है और इनको एक दिन पे हमने पुलिस रिमांड पे लिया है। मिल गया एक दिन का, क्योंकि कल हमने उसको भी दो दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था अंजलि को, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों को बिठा के क्लैरिफाई करनी है, और ताकि कोई और नया साक्ष्य अगर सामने आता है तो उसको भी। जो इसका साइबर सेल, हमारे जो साइबर सेल ने इसके मोबाइल का जो मुआयना किया है, जो एनालाइज किया है, उसमें इसने कई बार सर्च किया है कि हाउ टू कमिट सुसाइड, और जो जो DVR वगैरह है इसके, उसके रिकॉर्ड से हमें पता चला कि ये ज्यादातर सुसाइड का देखा है, सुसाइड का देखा है या मारने का भी, CID वगैरह देखती थी, CID वगैरह देखती थी। साइको के लिए जहाँ तक हमने बोर्ड, क्योंकि इसकी दवाइयाँ काफी टाइम से चल रही हैं, पहले सद्भावना से चल रही थी, वो भी एक मनोरोग विशेषज्ञ है, करीब 2-2.5 साल से वहाँ से दवाई चल रही थी। उसके बाद इसने बताया कि फिर इसने पानीपत से दवाइयाँ ली थी, डॉक्टर बटेजा हैं, फिर हमने वहाँ से भी रिकॉर्ड इसका लिया है, डॉक्टर बटेजा से भी इसकी 7-8 महीने से दवाइयाँ चल रही हैं, और उनकी उनका सारा रिकॉर्ड लेने के बाद, ओपिनियन लेने के बाद, हमने एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, जो 3 साइकेट्रिक्स का डॉक्टर्स का बोर्ड है, उन्होंने भी इसकी प्रिलिमिनरी जाँच की है, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए पहले बोला है। कल हमने इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने के लिए भी बोर्ड गठित करवा लिया था, आज उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा के और दोबारा से साइकेट्रिक बोर्ड के आगे इसको पेश किएंगे, और फाइनल ओपिनियन फिर डॉक्टर ही बताएंगे इसकी कितनी गिरफ्तारी। इतना ही हमने अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें यही आया है कि जो अंजलि ने डेड बॉडी थी वो इनकी छत पर फेंकी थी, और अपनी छत से इन्होंने सबूत मिटाने के लिए, ताकि इनका नाम ना है दूसरे की छत पे। कारण सामने आया सर, वो उसके बाद जो बोर्ड हमने गठित करवा रखे ना, और FSL की एक दो हमारी रिपोर्टें जो बाकी हैं, वो सारी चीजें आने के बाद कल तक हम आपको अभी ये नहीं पता लगा, तभी तो हमने साइकेट्रिक बोर्ड और साइकोलॉजिकल वालों सभी का बोर्ड हमने अलग से बनवाया, ताकि क्या मोटिव था, क्यों मारा है, किस दशा में मारा है, वो सारी चीजें सामने आ सके।